हाय गाइस, वेलकम टू योर चैनल बनवा ट्यूटोरियल्स। हियर आई एम विकास कुमार बनवाल। यू आर वाचिंग द बनवाल ट्यूटोरियल्स। फ्रेंड्स, दिस क्लास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर द यूपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, बिकॉज टूडेज कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टू इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इट इज ए बायोग्राफी ऑफ महिंदा राजपक्षे, हु इज द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। सो फ्रेंड्स, जानते हैं क्या है इसके बारे में विस्तार से। श्रीलंका के प्रधानमंत्री मौजूदा समय में महिंदा राजपक्षे बने हैं। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने ऐतिहासिक बौद्ध मंदिर में रविवार को देश यानी श्रीलंका के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली और चौथी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने हैं। श्रीलंका पीपुल्स पार्टी यानी SLPP के 74 वर्षीय नेता को 9वीं बार संसद के लिए पद की शपथ, उनके छोटी भाई का नाम क्या था, राष्ट्रपति गोया बाया राजपक्षे ने कोलानिया के पवित्र राजमहा विहाराय में दिलाई है। यानी एक तरह का ये बौद्ध मंदिर था जो काफ़ी फेमस था, बहुत पुराना है, ये प्राचीन मंदिर जो है श्रीलंका के लिए ऐतिहासिक धरोहर है, उसी में उनको शपथ दिलाई गई। राजपक्षे ने इस साल जुलाई में संसदीय राजनीति में 50 वर्ष पूरे भी किए हैं। वह 1970 से महज 24 साल की उम्र में संसद निर्वाचित हुए थे। उसके बाद से वह 2 बार राष्ट्रपति चुने गए और 3 बार प्रधानमंत्री नियुक्त की गई। इस बार चौथी उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के रूप में हुई। महिंदा राजपक्षे SLPP श्रीलंका पीपुल्स पार्टी ने अगस्त के चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल करते हुए संसद की 2/3 बहुमत हासिल किया। महिंदा राजपक्षे को 5 लाख से अधिक व्यक्तिगत वरीयता के मत मिले हैं। चुनावी इतिहास में पहली बार इस प्रत्याशी को इतने अधिक वोट मिले हैं। श्रीलंका पीपुल्स पार्टी ने लगभग 225 सीटों में से 145 सीटें जीत दर्ज की है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। ऐसे शख्सियत बहुत कम ही मिलती हैं जो लगातार श्रीलंका के लिए काम किया, अलग श्रीलंका के विकास में और ऊँचे ऊँचे बुलंदियों में पहुँचा दिया। वो 9वीं बार पर इस बार शपथ लिए हैं और वो 50 साल उन्होंने अपनी राजनीति में पूरा कर लिया है और वो एकमात्र ऐसे कैंडिडेट श्रीलंका के बने हैं 225 में से जिन्होंने 50 लाख से अधिक व्यक्तिगत वोट पाया है। उसके बाद चलते हैं आज विस्तार से क्या है देखते हैं। बहुत ही बड़ी उपलब्धि उनके लिए। 2 दशक से परिवार का वर्चस्व, उनकी पार्टी का वर्चस्व श्रीलंका के राजनीति में था। श्रीलंका राजनीति में राजपक्षे परिवार का 2 दशक से वर्चस्व है। इसमें SLP के संस्थापक एवं इसके राष्ट्रीय संयोजक 1969 वर्षीय बासी राजपक्षे भी शामिल है, जो 71 वर्षीय गोटाबाया राजपक्षे और महिंदा राजपक्षे छोटे भाई हैं। महिंदा राजपक्षे इससे पहले 2005 से 2015 तक एक दशक तक राष्ट्रपति रहे, यानी 2 बार वो राष्ट्रपति श्रीलंका के बने हुए थे। इसके बाद उन्होंने 4 बार लगातार प्रधानमंत्री बनने का शुभ अवसर पाया है। ऐसी सुखद समय और पल सभी को इंतजार था। श्रीलंका के उत्थान और पतन से जुड़ा है यह मंदिर का इतिहास। जो बौद्ध मंदिर था वो महाविराया को कोलानिया मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह 2500 साल पुराना है। सोच सकते हैं कितनी पुरानी धरोहर श्रीलंका की है। इसका इतिहास श्रीलंका के उत्थान और पतन से जुड़ा हुआ है। कहावत है कि जैसे जैसे मंदिर का वैभव बढ़ा वैसे वैसे श्रीलंका भी वैश्विक परिदृश्य में चमका। सो इसलिए बौद्ध मंदिर बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही उपलब्धि भरा के लिए उपलब्धियों से भरा हुआ ये बौद्ध मंदिर है। हमेशा कोई भी तरह का राजनीतिक उपलब्धि उन्हीं के बौद्ध मंदिर में जा करके की जाती है। स्टूडेंट्स, आगे जानते हैं। आप देख रहे हैं बनवाल ट्यूटोरियल्स। मैं हूँ विकास कुमार बनवाल। नॉलेज इज विजडम, इसकी पंचिंग लाइन है। आज सब्सक्राइब करें बहुत सारी जानकारियाँ लेने के लिए और अन्य इम्पोर्टेंट के लिए। देखिए, ये उनकी पूजा करने हैं, जीतने के बाद उन्होंने पूजा इस प्रकार की। बहुत सारे मठ जो बौद्ध मंदिर थे वहाँ के मठ के पुजारी थे, उनको इस तरह से हाथ में उनको आशीर्वाद के रूप में धागा बांधते हुए देख सकते हैं। फिर से ये अन्य तस्वीरें जो है आपको ब्याह कर रही है, उनको
इस तरह का शॉल उड़ाया गया है, उनको सम्मानित किया जा रहा है बौद्ध मठ के द्वारा। उनके कैबिनेट में लगभग 30 कैबिनेट मंत्री बने हैं, उनमें से अभी तक से तो 24 या 25 की शपथ दिलाई गई है और 30 उनमें लगभग संभावना है। ये देख सकते हैं उनके तीन बेटे निर्मल, योशिता और रोहिता, और उनकी वाइफ जो है श्री रानथी विक्रम सिंघे, उनके साथ में ये फैमिली फोटो का दृश्य जो है काफ़ी मनोरम है। देख सकते हैं ये तीन बेटे उनके सुपुत्र हैं, सभी एकदम पूरा मेधावी रहे हैं, उन्होंने बहुत सारे काम किए। उनके बाद देखिए उनकी वाइफ जो है श्रीमती ये राथी विक्रम सिंधे, उन्होंने बच्चों को शिक्षा के लिए बहुत सारे फाउंडेशन काम किए हैं, उनकी फाउंडेशन लगातार काम कर रही है। देखिए वो खुद वो क्लास में बच्चों को ट्रेनिंग देने आए हैं, एक तरह का उन देख सकते हैं वो कितने शिक्षित लोग हैं और श्रीलंका को कितने बुलंदी और मुकाम तक पहुँचाने वाले हैं। ये अभी से ही कल्पना की जा सकती है, लगातार जो व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति या 4 बार प्रधानमंत्री रहा हो, कितनी बड़ा शख्सियत हो, कितना विकास पुरुष हो। ये देखिए उनका पुत्र है जो है बड़ा बेटा, उनकी वाइफ है, या भी वो पोता पोती पोते भी उनके हो चुके हैं। उनकी वाइफ बगल में देख रहे हैं बाएं साइड में, और बाएं साइड पर सेकेंड और थर्ड में उनकी बहू और उनके पुत्र हैं, सुपुत्र हैं, जिनका नाम निर्मल है, ये बड़े सुपुत्र हैं उनके। उनके बाद देखिए उनको सब एक संस्था को सम्मानित किया गया उनके द्वारा। देखिए एक लेडी हैं जो कंप्यूटर पर चलाती हैं, उनको सम्मानित किया जा रहा है महिंद्रा राजपक्षे के द्वारा, जो इस बार प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। ऐसी उनकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं जो गिनाई नहीं जा सकती है, जिन्होंने श्रीलंका को बहुत आगे बढ़ाने में मदद किया। श्रीलंका आज भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत बड़ा देश के रूप में उभर रहा है। देखिए महिंद्रा राजपक्षे का फाइल फोटो, उनकी वाइफ का फोटो, उनका कुंवारा जब वो क्लास में कॉलेज में पढ़ रहे थे उनकी सबकी फोटो है, जो मठ में वो ज्ञान ले रहे थे उसमें भी कई फोटो है। एक तरह का ये ग्रुप फोटो दिखाया जा रहा है आपको, आप इससे अनुभव कर सकते हैं ये कितने वो अनुभवी व्यक्ति हैं, जिन्होंने लगातार इस तरह की उपलब्धियों से श्रीलंका को का मान बढ़ाया और पूरे विश्व में अपना डंका बजाने की ओर अग्रसर हैं। देखिए उनका उनके सर हैं और वो पीछे में बैठे हुए हैं, उनके उनके पिताजी है वो बीच में, वो गोटाबाया हैं, उनकी माता जी देखिए वो गिटार बजाते हुए हैं, वो झंडा फहराए क्या लिए हुए हैं, अवार्ड लिए हुए हैं, स्कूल में उनका अवार्ड दिया जा रहा है। ऐसी जो तस्वीरें हम सभी को विचलित करती है कि काफ़ी किस प्रकार के शख्सियत थे, उन्होंने क्या काम किया होगा जो इतनी बड़ी उपलब्धि उनको मिली है। ये जीतने के बाद वो खुशी प्रकट कर रहे हैं, बहुत ही उपलब्धियों बड़ा भरा ये उनका जीवन रहा है और बहुत ही संघर्षशील रहा है। ऐसी बात नहीं कि वो संघर्ष नहीं किए। अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन, राजपक्षे वॉज एजुकेटेड एट रिचमोंड कॉलेज इन गेले बिफोर मूविंग टू नालंदा कॉलेज इन कोलंबो एंड लेटर थर्स्टन कॉलेज। महिंदा राजपक्षे वॉज प्रेजेंटेड विथ द नालंदा कीर्ति श्री अवार्ड इन 2004 बाय द हिस आल्मा मेटर नालंदा कॉलेज। ही हैज़ अल्मा मेटर मतलब क्या होता है, जिस जहाँ पे उन्होंने बचपन में शिक्षा ली हो। ही हैज ऑल्सो अपियर्ड इन द सिन हेले फिल्म नोमिया मिनिसन इन 1994 एंड वर्क एट एज ए लाइब्रेरी असिस्टेंट एट विद्योपादा यूनिवर्सिटी। उन्होंने विद्या विद्योदया यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी असिस्टेंट के रूप में काम किया है। उनका अर्ली जीवन देखिए किस तरह से बीता है, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय से पढ़ाई की, उसके बाद थर्स्टन कॉलेज से उन्होंने किया है, उसके बाद लेटर ही स्टडीड लॉ एट द श्रीलंका लॉ कॉलेज। लॉ कॉलेज में उन्होंने लॉ की डिग्री ली है। टुक ऑफिस एज ए अटर्नी एट लॉ इन नवंबर 1977 में, नवंबर में उन्होंने अटर्नी एट लॉ की उपाधि ली। थॉट आउट हिज पार्लियामेंट्री करियर एक्सेप्ट फॉर द पीरियड फ्रॉम 1994 2001 व्हेन ही वाज ए मिनिस्टर ही कंटिन्यूड हिज लॉ प्रैक्टिस इन टैंगेले। सो देखिए किस तरह से उन्होंने अपने शिक्षा जो है मौजूदा समय में उनकी जो पूर्ववत शिक्षा जो रही कैसे रही, उन्होंने कैसे लॉ की डिग्री हासिल किया, कैसे उन्होंने नालंदा कॉलेज में शिक्षा ग्रहण किया। फैमिली एंड पर्सनल लाइफ, इन 1983 राजपक्षे मैरिड श्री रानथी विक्रम सिंघे, ए चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट एंड एजुकेटर। वैसे एक एजुकेटर भी हैं यानी टीचर भी हैं और साइकोलॉजिस्ट भी हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी यानी
शिशु चिकित्सक शिरार्थी राजपक्षे इज द डॉटर ऑफ ईपी विक्रम सिंघे। ईपी विक्रम सिंघे की वो पुत्री थी हैं सॉरी ये रिटायर्ड कमांडर ऑफ द श्रीलंका नेवी। श्रीलंका नेवी के हैं, उनका जो फादर इन लॉ है श्रीलंका नेवी में कमांडर रह चुके हैं। द राजपक्षे हैज थ्री सन, उनका तीन पुत्र था जो मैंने पहले बताया, नंबल, योशिथा और रोहिथा। इन अप्रैल 2010 नवा राजपक्षे वॉज इलेक्टेड एज ए मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट वाह फॉर द हबनटोटा डिस्ट्रिक्ट। हबनटोटा डिस्ट्रिक्ट से उन्होंने सदस्यता ग्रहण किया संसद का, ऑब्टेनिंग द हाइस्ट नंबर ऑफ प्रिफरेंशियल वोट्स इन हिज फादर्स फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट। नवल वॉज अगेन सेलेक्टेड द पार्लियामेंट बाय ऑब्टेनिंग हाइएस्ट वोट्स फ्रॉम हबनटोटा डिस्ट्रिक्ट इन 2015 जनरल इलेक्शन एज वेल। योशिथा वॉज कमीशन एज ए एक्टिंग सब लिटुएंट इन श्रीलंका नेवी इन 2009 में। देखिए उनका पुत्र भी कैसे कितने मेधावी हैं, उनका बड़ा पुत्र जो है वो अभी पार्लियामेंट सदस्य है हबनटोटा डिस्ट्रिक्ट से, और लगातार वो चुनाव जीत रहे हैं और रिकॉर्ड से जीत रहे हैं। उनका दूसरा पुत्र जो है योशिथा वो एक्टिंग सब लेफ्टिनेंट है श्रीलंका नेवी में। नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ राजपक्षे फैमिली आर करेंटली एक्टिव इन पॉलिटिक्स। वन ब्रदर गोटाभाया राजपक्षे इज ए फॉर्मर मिलिट्री ऑफिसर हु सर्व्ड इन द श्रीलंका आर्मी फॉर 20 ईयर्स इन द फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अंटिल महिंद्र राजपक्षे प्रेसिडेंसी वॉज ओवर ऑन 9 जनवरी 2015। देख सकते हैं उनका जो भाई है गोटाबाया पक्षे जो छोटे भाई हैं 70 साल के लगभग हैं, उन्होंने मिलिट्री ऑफिसर सर के रूप में श्रीलंका नेवी आर्मी में काम किया है 20 साल तक, और डिफेंस मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। तो सभी परिवार जो हैं एक ज्वाइंट फैमिली के रूप में काम कर रहे हैं, ज्वाइंट फैमिली हैं और बहुत ही शिक्षित लोग हैं जो श्रीलंका के बड़े बड़े पद पर कार्यरत रह चुके हैं और अभी भी रह रहे हैं। सो ऐसी फैमिली आपको शायद ही किसी दुनिया में या कोई देश में आपको देखने को मिलेगी जो इतने बड़े उपलब्धियों के साथ अपने जीवन व्यतीत कर रही है। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। अदर ब्रदर वेसिल राजपक्षे, उनका दूसरा भाई जो है वेसिल राजपक्षे वाज इलेक्टेड द पार्लियामेंट ऑफ श्रीलंका फ्रॉम द गाम्फा डिस्ट्रिक्ट ऑब्टेनिंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोट्स बाय एनी कैंडिडेट इन द अप्रैल 2010 जनरल इलेक्शन। यानी 2 अप्रैल 2010 का आम चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट लाने वाले व्यक्ति बने। गांफा डिस्ट्रिक्ट से उन्होंने पार्लियामेंट का एग्जाम का चुनाव लड़ा से लड़ा और जीता। वाज अपॉइंटेड मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बेसिल वाज अरेस्टेड इन अप्रैल 2005 फॉर द मेनी करप्शन, और बहुत सारे करप्शन के साथ उनको गिरफ्तारी भी हुआ है अप्रैल 2015 में। तो बिल्कुल ऐसा किसी भी राजनीति में देखिए, गौर से देखिए तो जो व्यक्ति या जो पारिवारिक जो है लगातार बनता है तो उनको कुछ घमंड हो जाते हैं। ऐसा भी कुछ मेरे मानना हो सकता है जो उन्होंने इस तरह से करप्शन किया। हिज एल्डेस्ट ब्रदर जो उनका सबसे बड़ा भाई है चंबल राजपक्षे हैज़ बीन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सिंस 1989 एंड वाज इलेक्टेड स्पीकर फॉर ऑफ द 14th पार्लियामेंट्री ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका के लोक के स्पीकर भी वो रह चुके हैं 14वां पार्लियामेंट में। करेंटली चमल इज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अदर फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स इंक्लूड हिज नेफ्यू, उनका भतीजा भी है सशिंद्र राजपक्षे, उनका बेटा यानी बड़ा भाई जो है महिंद्रा राजपक्षे का चमल राजपक्षे, उनका पुत्र सशिंद्र राजपक्षे हुआ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द हुआ प्रोविंस। हुआ प्रोविंस के वो मुख्यमंत्री हैं। समिद्र राजपक्षे सेकेंड सन ऑफ द चमल राजपक्षे, उनका दूसरा पुत्र है, उनका उनकी भी दो पुत्री पुत्र हैं। डायरेक्टर श्रीलंकन एयरलाइंस हिस कजिन्स जालिया विक्रम सोरिया। श्रीलंका एम्बेसडर टू द टाइटल यूनाइटेड स्टेट्स उदयन वीरनटुंगा। श्रीलंकास एम्बेसडर ऑफ रसिया प्रसाना विक्रम सिमोरिया एयरपोर्ट। यानी उनका पूरा फैमिली जो है हर जितना भी है श्रीलंका का गवर्नमेंट में जितनी तरह का पोस्ट है एम्बेसडर है हर में वो नियुक्त किए हुए हैं। राजपक्षे इज नॉन एज द सुपर स्टिटियस एंड वियर टेल्स मैंस एंड कंसल्ट एस्ट्रोलॉजर्स इन हिज डिसीजन मेकिंग। ही इज नोन फॉर एक्वायरिंग ए लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूएबल रिंग्स एज ए लकी चार्म्स सम विथ द कलर्ड स्टोन्स एंड एलिफेंट हेयर एंड अर्न द रिपुटेशन एज ए लॉर्ड ऑफ रिंग्स। यानी वो बहुत सारे वैल्यूएबल उनके पास रिंग्स हैं जो उनको लकी चार्म के रूप में काम करते हैं। उनके बहुत सारे स्टोन लगाए गए हैं, एलिफेंट के हेयर लगाए गए हैं। तो देखिए ड्यूरिंग ए वेडिंग हिज अटेंडेंट एज ए वीआईपी गेस्ट ही लॉस्ट जेम स्टडेड रिंग विच वॉज रिकवर्ड आफ्टर दिस। सिक्योरिटी एंड होटल स्टाफ फाउंड द रिंग फॉलन नियर ए वीआईपी टेबल आफ्टर
कवर्टली सर्चिंग वी अंडर कारपेट्स एंड वॉशरूम्स, यानी उनका एक जो रिंग था वो खो गया था, वो उनके स्टाफ ने टेबल से ढूंढ करके नीचे से दिया। लेजिस्लेटिव करियर उनका क्या है देखते हैं। श्रीलंका पार्लियामेंट, फॉलोइंग द डेथ ऑफ हिज फादर, उनके पिताजी की मृत्यु 1968 में हुई, राजपक्षे टुक ओवर ए SLFP कैंडिडेट फॉर द बेलिएटा कंस्टिट्यूंसी यानी प्रोविंस, वाज इलेक्टेड टू पार्लियामेंट इन 1970 एज द यंगेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एट जस्ट 24, यानी मात्र 24 साल के पार्लियामेंट में उन्होंने अपना उपलब्धि दर्ज करवाया और वो वहाँ के सांसद बने। लेटर ही स्टडीड लॉ एट द श्रीलंका लॉ कॉलेज एंड टुक ऑफिस एज अटर्नी लॉ इन नवंबर 1977, यानी पहले मैंने इसके बारे में विस्तार से बता दिया। श्रीलंका लॉ कॉलेज में वो लॉ की डिग्री लिया और वो अटर्नी एट लॉ की शपथ भी उन्हें दिलाई गई 1977 में नवंबर में। तो वो लॉ के भी एक्सपर्ट हैं, यानी कानून की उनकी अच्छी खासी जानकारियाँ होनी चाहिए, काफ़ी पहले उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया। लॉसिंग हिज पार्लियामेंट्री सीट इन लैंडस्लाइड डिफीट ऑफ द SLP इन 1977, राजपक्षे वाज री इलेक्टेड इन 1989 टू द पार्लियामेंट टू रिप्रेजेंट हम्बनटोटा डिस्ट्रिक्ट अंडर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ही केम इन टू प्रोमिनेंस एज ए लीडर टूगेदर विथ मोनोरानी सरवन मुट्टू ऑफ द मदर्स फ्रंट विच ऑर्गेनाइज द मदर्स ऑफ डिसअपियर्ड इन विथ वाइट टेरर इन 1988-90, इंस्टिगेटेड बाई ए रेबल ग्रुप दैट कॉल्ड देमसेल्स देशप्रेमी जाथिका व्यापारिया और पेट्रियोटिक नेशनल मूवमेंट के द्वारा। ये एक ऐसी पार्टी है जिनके कारण उनकी माता जी का मृत्यु हो गया था 1988-90 में, बंटोड़ा डिस्ट्रिक्ट के जब पद द्वारा जब चुने गए उसी दौरान उनको उनके माता जी को मार दिया गया। एक ऐसी संगठन थी जो आतंकवाद से जुड़ी हुई थी, जिनके एक रिवल ग्रुप जिसको कहा गया है, जिन्होंने उनके नेशनल मूवमेंट के दौरान उनको मार दिया। ड्यूरिंग दिस टाइम ही फ्रिक्वेंटली अटेम्प्टेड ब्रिंग थर्ड पार्टी इंटरवेंशन एंड फ्रिक्वेंटली कंप्लेंड अबाउट श्रीलंका इन जेनेवा एट हैज क्लेम्ड इट इज नैदर ट्रेचरस नॉर अनपेट्रियोटिक टू सीक थर्ड पार्टी इंटरवेंशन टू रिस्टोर डेमोक्रेटिक आइडियल्स। ही ऑल्सो डिमांडेड इन द पार्लियामेंट दैट यूनाइटेड नेशंस अलोंगसाइड एनजीओ सच एज एमनेस्टी इंटरनेशनल टू बी अलाउड टू कम टू श्रीलंका एंड इन्वेस्टिगेट। बिल्कुल ये सही बात है, ऐसा ही होना ही चाहिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल तो काफ़ी पुरानी संस्था है, आतंकवाद से जुड़ी हुई और शांति के लिए वो काम करती है, तो उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया। ही ऑल्सो रिक्वेस्टेड फॉरन नेशंस टू पुट कंडीशंस ऑन श्रीलंका वैन गिविंग एड। ऑन 25 अक्टूबर 1990 ही सेड इफ़ द गवर्नमेंट इज गोइंग टू डिनाई ह्यूमन राइट्स वी शुड गो नॉट ओनली टू जिनेवा बट टू एनी प्लेस इन द वर्ल्ड और टू हेल इट इफ नेसेसरी एंड एक्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। द लेमेंटेशन ऑफ द कंट्रीज इनोसेंट शुड बी रेज्ड एनीवेयर। यानी उन्होंने कहा कि वो सरकार के खिलाफ जो भी कुछ होगा वो करेंगे, और जिनेवा जाना होगा तो वो भी जाएंगे, और ह्यूमन राइट्स का जो हनन होता है वो उसके खिलाफ वो लड़ाई लड़ेंगे। तो उन्होंने 25 अक्टूबर 1990 को श्रीलंका में ऐसा उन्होंने कहा था। अपॉइंटमेंट एज ए कैबिनेट मिनिस्टर, जब उनका पहली बार कैबिनेट मिनिस्टर में अपॉइंटमेंट हुआ 1994 फॉलोइंग द इलेक्शन विक्ट्री ऑफ द पीपुल्स अलायंस ए पॉलिटिकल फ्रंट लेड बाय श्रीलंका फ्रीडम पार्टी एंड हेडेड बाय चंद्रिका कुमार टुंगा, राजपक्षे वाज अपॉइंटेड मिनिस्टर ऑफ लेबर। ही हेल्ड दिस पोस्ट अंटिल 1997 व्हेन द फॉलोइंग ए कैबिनेट रिशफल हिज पोर्टफोलियो वाज चेंज्ड टू मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एंड एक्वाटिक रिसोर्स। यानी जब वो श्रीलंका 1994 में कैबिनेट मिनिस्टर बने तो उनको फर्स्ट बार अपॉइंट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, उसके बाद फिर से उनको द्वारा चुना गया मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एक्वाटिक रिसोर्सेस में। तो 1994 में उन्होंने इस तरह का वो पहली बार चुन करके गए कैबिनेट में। लीडर्स ऑफ द अपोजिशन, व्हेन द यूनाइटेड नेशनल पार्टी UNP डिफीटेड द पीपल्स अलायंस इन द 2001 इलेक्शन, राजपक्षे लॉस्ट हिज पोजिशन इन द गवर्नमेंट। ही वॉज हाउएवर अपॉइंटेड एज ए लीडर ऑफ द अपोजिशन इन मार्च 2002।
यानी जो जब ओपोजिशन बने 2002 में, तो उस समय यूनाइटेड नेशन पार्टी जो है पीपल्स अलावेंस के कारण उनको 2001 में उनको हरा दिया गया था, और राजपक्षे ने अपना पद खो दिया और वो ओपोजिशन पार्टी के ओपोजिशन में रहे नेता के रूप में, यानी विपक्ष नेता के रूप में उन्होंने 2002 मार्च में काम किया, क्योंकि उनको यूनाइटेड नेशनल पार्टी जो श्रीलंका की पार्टी है उन्होंने उनको हराया था 2001 के इलेक्शन में। राजपक्षे को उनको बुरी तरह से हार मिला था उनकी पोजीशन को देखते हुए, जिसके कारण से उनको विपक्ष का नेता चुना गया 2002 में। प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस ऑफ 2004 इन विच द यूनाइटेड पीपल फ्रीडम अलायंस गेंड ए स्लिम मेजोरिटी इन पार्लियामेंट, राजपक्षे वॉज स्वॉर्न एज ए श्रीलंका 13th प्राइम मिनिस्टर ऑन 6 अप्रैल 2004। वाइल राजपक्षे वॉज द प्राइम मिनिस्टर ही ऑल्सो हेल्ड द मिनिस्ट्री ऑफ हाईवेज। जब वो 2004 में इलेक्शन चुन करके आए तो उन्होंने यूनाइटेड पीपल्स फ्रीडम अलायंस के साथ उन्होंने एक मेजोरिटी साइन किया, जिसमें उनको उनको शपथ दिलाई गई 13वें प्रधानमंत्री के रूप में 2004 में। उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ उन्होंने श्रीलंका का मिनिस्टर ऑफ हाईवेज का भी शपथ लिया था। द अग्रीमेंट मेड विथ राजपक्षे इंक्लूड प्रोविजन्स विच कॉल्ड फॉर ए रिविजन टू सीज फायर अग्रीमेंट टू गिव द मिलिट्री बॉर्डर पावर्स अगेंस्ट द LTTE यानी लिट्टे, एज वेल एज रूलिंग आउट ऑफ एनी डिवोल्यूशन ऑफ पावर ऑफ द तमिल पीपल। फर्दर मोर द सेशन ऑफ एड टू द सुनामी स्ट्रक LTTE ऑक्यूपाइड एरियाज एंड द साइड लाइनिंग ऑफ द नॉर्वेगियन फैसिलिटेटर्स ड्यू टू देयर एलिज ब्लास्ट वेयर इंक्लूड। उनके द्वारा अग्रीमेंट साइन किया गया जिनमें प्रावधान किया गया कि उनको रिविजन किया जाएगा सीज फायर अग्रीमेंट के लिए, मिलिट्री बॉर्डर पावर्स अगेंस्ट द लिटिल लिट्टे में के खिलाफ जो भी लिए गए थे डिसीजन उसको फिर से रिवीजन कर किया जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो भी तमिल पीपल उसमें शामिल हैं उनको दंडित किया जाएगा, ऐसा उनके द्वारा कहा गया। ये देख सकते हैं 15 मई 2009 को 3 दिन पहले लिट्टे के जो हेड जो थे प्रभाकरण की मौत से पहले ही इस तरह से मीटिंग किया गया था और उनको दंडित किया गया, जो उनके हेड थे लिट्टे के प्रभाकरण जी को, उनको वहाँ की जो बांग्लादेश श्रीलंकन जो पुलिस थी उनको द्वारा उनको मारा गया। ये देख सकते हैं श्रीलंका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2010 में उनके द्वारा जो दिया गया था फोनसेका राजपक्षे और 3 वहाँ की जो पार्टियां हैं उस राजपक्षे की कितनी बड़ी क्षेत्र में जीत दर्ज किया गया उनको द्वारा। देख सकते हैं ब्लू का जो साइन दिया गया नीला, इनमें उनका क्षेत्र जो है वो जीते थे इस क्षेत्र में। उनका भाई के द्वारा भी दिखाया गया कि कौन कौन से उनके भाई हैं, 3 जो भाई थे उनके दिखाया गया। श्रीलंकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2010 विनर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट, जो डिस्ट्रिक्ट उनके द्वारा विजय किया गया था। हरा जो था उसमें एक पार्टी थी फोनसेका, और एक जो वाइट वाइट दिख रही है वो टर्न आउट मतलब एक निर्दलीय जो थी 15%, उनके द्वारा ये जीता गया है। ये एक मैप के माध्यम से समझाया जा रहा है आपको कितनी बड़ी श्रीलंका क्षेत्र में कितनी बड़ी उनकी कब्जा हुई, मतलब कितने लोग उनको पसंद कर रहे हैं थे उस समय 2010 में। 2015 2019 में लगातार जीत के, द थर्ड टर्म बीड एंड एलिंड इलेक्शन फ्रॉड प्रिविजन्स एलिजेंस ऑफ इलेक्शन फ्रॉड। राजपक्षे हैज़ बिन एक्यूज ऑफ इलेक्शन फ्रॉड फॉर बोथ हिज प्रीवियस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रन्स, उनको एक्यूज किया गया इलेक्शन फ्रॉड के लिए, और 2005 में उन्हें अपोजिशन पार्टी से एक्यूज राजपक्षे फॉर ब्राइबिंग LTTE टू अवॉइड पीपल फ्रॉम वोटिंग इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न प्रोविंसेस, यानी उन जो लोग थे उनको रोका गया था ईस्टर्न और नॉर्दर्न एंड दक्षिण और पूर्वी उत्तर और पूर्वी क्षेत्र के जो लोग थे उनको रोका गया था LTTE के द्वारा इलेक्शन में चुनाव देने वोट देने के लिए। मोस्ट वोटर्स इन दिस एरियाज वेयर पॉसिबली रिस्ट्रेंड बाय द मिलिटेंट ग्रुप फ्रॉम वोटिंग, इट इज सेड दैट दे वुड हैव फेवर्ड अपोजिशन कैंडिडेट रानी विक्रम सिंह है, यानी महिंदा राजपक्षे को LTTE जो संस्थित थे लिट्टे
उनके इलेक्शन के द्वारा उनको रोका गया, उन लोगों को कहा गया कि इस उनको पार्टी को ना दिया जाए, बल्कि उनके एक पार्टी जो थी ओपोजिशन पार्टी जो थी कैंडिडेट रानिल विक्रम सिंघे उनको देने के लिए आह्वान किया गया था लिट्टे के द्वारा। इन द 2010 इलेक्शन राजपक्ष वाज एक्यूज ऑफ मैनिपुलेटिंग इलेक्शन रिजल्ट्स यूजिंग कंप्यूटर्स। उन्होंने कंप्यूटर का उपयोग करके इलेक्शंस को मैनिपुलेट करने की कोशिश किया। फिर देखिए 2015 का, ये 2010 का था, 2015 में जो है राजपक्ष का भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन फिर उनको इसमें कुछ मात भी मिला है, क्योंकि कुछ बीच बीच में देख सकते हैं जो वहाँ पे उस समय नीला था 2010 में, और यहाँ पे देखिए ग्रीन सैनजेड है, वो दूसरा की दूसरा कोई पार्टी का है, ये राजपक्ष का पार्टी है। श्रीसेना जो है ग्रीन का साइन, जो श्रीसेना वहाँ की पार्टी है कि जो है वो उनका ये क्षेत्र जो काफ़ी बड़ा क्षेत्र के रूप में उभरा है उस 2010 के इलेक्शन के बाद, क्योंकि उनको मात दिया गया और उनको बहुत बार बहुत सारे करप्शन में शामिल होने के कारण इस तरह से, और लिट्टे की धमकियों से भी उनको कम वोट मिला मिला, जिनके कारण ये आंकड़ा दिखाया गया 2010 की तुलना में 2015 में कितनी कम प्रतिशत रही, लगभग 10 से 15% उनको कम वोट मिला। देख सकते हैं भिन्न भिन्न बीच क्षेत्र में, ये देखिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सितंबर 2018 में न्यू दिल्ली में नरेंद्र मोदी जो है गए मीटिंग कर रहे थे राजपक्ष को, राजपक्ष जो है वो रिटर्न आए थे नई दिल्ली में, उनके साथ भेंट मुलाकात हुआ प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ। राजपक्ष रिटर्न टू पार्लियामेंट आफ्टर हिज टेन्यूर एज प्रेसिडेंट, द ओनली फॉरमर प्रेसिडेंट टू डू सो। एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो द्वारा उन्होंने फिर से राष्ट्रपति पद की शपथ ली। ही वॉज इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम फोर करुणेगाला डिस्ट्रिक्ट, करुणेगाला डिस्ट्रिक्ट से उनको दोबारा चुना गया। तो ये देख सकते हैं लगातार दिखाया जा रहा है माननीय राजपक्षे के द्वारा उनके जीवन के बारे में, उनका इंट्रोडक्शन, उनका परिचय, उनकी उपलब्धियाँ, ये मैंने पहले ही बता दिया। लीडर ऑफ द अपोजिशन, वो अपोजिशन में भी रह चुके हैं। कार्य सूर्या इन्फॉर्म डेट महेंद्र राजपक्षे हैज बीन अपॉइंटेड एज लीडर अपोजिशन विथ द UPFA, एक पार्टी थी जिनकी जो जीत दर्ज की थी 2002 में, उसमें उनको अपोजिशन का पोस्ट मिला था। इन्वेस्टिगेशन करप्शन, महेंद्र राजपक्षे गवर्नमेंट हैज बीन क्रिटिसाइज फॉर इट्स करप्शन, वो क्रिटिसाइज किया था उन्होंने अपने करप्शन को। ड्यूरिंग हिज लीडरशिप श्रीलंका स्कोर्ड एक्सट्रीमली लो इन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन इंडेक्स, वो जब उनकी सरकार थी, जब वो गवर्नमेंट में राजपक्षे थे, उनमें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन इंडेक्स में वो सबसे नीचे थी, वो लगभग ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल लेड क्वालिटेशन रिवील्ड तीस करोड़ यानी 30 करोड़ हैड गॉन मिसिंग फ्रॉम द रोडिंग प्रोजेक्ट फॉर ए 2012 एग्जीबिशन। 2012 एग्जीबिशन में 30 करोड़ की उन्होंने कुछ पर हेराफेरी किया था, जिसमें 16 जनवरी 2015 को श्रीसेना गवर्नमेंट अनाउंस दैट इट वुड इन्वेस्टिगेट राजपक्षे डील्स विथ चाइना, ये चाइना के द्वारा ये डील हुआ था 30 करोड़ का। 2012 में एक रोड प्रोजेक्ट था, जिसके बाद 2016 2015 में श्रीसेना जो गवर्नमेंट थी उन्होंने जाँच करने दिया, जांच करवाया किटबैक्स एंड मेगा प्रोजेक्ट डील्स। फर्दर मोर द गवर्नमेंट स्टेटेड दैट द डील्स वुड बी सस्पेंडेड अंटिल द इन्वेस्टिगेशन वाज कंप्लीटेड, उसके बाद फिर से ये डील्स को सस्पेंड कर दिया गया जब इन्वेस्टिगेशन पूरा हुआ। तो देख सकते हैं कोई ऐसे भी बहुत सारे आपको महान व्यक्ति मिलेंगे जो उपलब्धि तो मिली है, फिर भी वो करप्शन से कहीं ना कहीं उनको जोड़ कर देखा जाता है, कहीं ना कहीं वो शामिल हो जाते हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली। कंट्रोवर्सीज एंड क्रिटिसिज्म्स, नेपोटिज्म, हाल ही में हमने सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ा हुआ देखा कि वहाँ भी फिल्म इंडस्ट्री यानी बॉलीवुड में भी नेपोटिज्म है। तो एक तो आमतौर भाषा में कहा जाए कि नेपोटिज्म आपको हर क्षेत्र में मिलेगा, चाहे बिजनेस हो, फिल्म में हो, शिक्षा जगत में हो, पॉलिटिक्स में हो, यानी नेपोटिज्म कूट कूट कर हर क्षेत्र में, हर कंट्री में भरा हुआ है नेपोटिज्म यानी परिवारवाद। महेंद्र राजपक्षे हैज़ बीन एक्यूज्ड ऑफ नेपोटिज्म, अपॉइंटिंग 3 ब्रदर्स टू रन इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज एंड अदर पोलिटिकल पोजिशंस फॉर द रिलेटिव, बिल्कुल ये सही बात, रिगार्डलेस ऑफ देयर मेरिट।
मेरिट के अनुसार उनको अलग अलग पोस्ट में, उनके अपने भाई, तीन भाई जो थे, एक बड़े भाई या दो छोटे भाई थे, उनको पोस्ट अलग अलग क्षेत्र में, डिफेंस में, फोर्स में वगैरह वगैरह में दिया गया था। एनी इलेक्शन फॉर द पोस्ट ही ऑल्सो कंट्रोल द आर्म्ड फोर्सेज, द पुलिस एंड द कोस्ट गार्ड। ही वॉज इन चार्ज ऑफ इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन। राजपक्षे अपॉइंटेड हिज ब्रदर्स बेसिल राजपक्षे एज मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हिज ओल्डेस्ट ब्रदर यानी उनके सबसे बड़े भाई थे चंबल राजपक्षे वॉज अपॉइंटेड स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ श्रीलंका फ्रॉम 2010 टू 2015 यानी 2010 से 2015 तक स्पीकर बने रहे। हैज़ हेल्ड मैनी अदर पोस्ट बिफोर। द राजपक्षे फैमिली कंट्रोल ओवर 70% ऑफ द श्रीलंका बजट ड्यूरिंग देयर गवर्नेंस। यानी आप सोच सकते हैं कि 70% जो श्रीलंका का जो बजट जो थी उस दौरान, उस अवधि में वो उनकी फैमिली ही उनको नियंत्रित कर रही थी। सो नेपोटिज्म का भी यहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, और देख सकते हैं कि ये पूरा परिवार जो है श्रीलंका राजनीति में इन्वॉल्व है। जितने भी बड़े पोस्ट हैं उसमें श्रीलंका राजपक्षे के परिवार ही, चाहे भाई हो, चाहे उनका बेटा हो, चाहे उनकी वाइफ हो, सब वो जकड़ कर एक तरह से बैठा हुआ है, जो बिल्कुल सरासर गलत है। दूसरे को मौका देना चाहिए। ऐसी स्थिति हर देश में शुरू होती है, पनपती है, लेकिन वहाँ के लोगों को भी सोचने की आवश्यकता है कि वो इस तरह से बढ़ावा ना दे परिवारवाद को, ताकि लोगों को, दूसरे को मौका ना मिल सके। क्या पता दूसरे लोग जो है और कुछ अच्छा विकास कर सके श्रीलंका के लिए। अदर्स इंक्लूड हिज नेफ्यू शस्त्रिया भतीजा जो था उनका, शशीन्द्र राजपक्षे, हु सर्व्ड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा फ्रॉम 2002 टू 2015। मैंने पहले ही बताया, उनका जो बड़ा भाई था कमल राजपक्षे, उनका पुत्र शशीन्द्र राजपक्षे जो 2009 से 2015 तक गोवा प्रोविंस में वो चीफ मिनिस्टर रह चुका है। सम ऑफ हिज कजिन्स वेयर गिवन एम्बेसडरियल पोजिशन। उनका जो भतीजा जो लोग थे उनको भी एम्बेसडरियल पोजिशन में दिया गया था। उसके बाद एज वेल एज उदयंगा वीराटुंगा हु वॉज द अपॉइंटेड एम्बेसडर ऑफ रशिया, डोजन्स ऑफ नेफ्यूज, नीस, कजिन्स एंड इन लॉस हैव बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ बैंक्स, बोर्ड्स एंड कॉरपोरेशन। यानी पूरा कूट कूट का परिवार भरा हुआ था, चाहे उनका लॉस हो, नीस हो, कजिन्स हो, नेफ्यूज हो, यानी परिवार के हर एक सदस्य को वहाँ के बड़े बड़े संस्थाओं में, वहाँ के बड़े बड़े एम्बेसडर, वहाँ के मिनिस्ट्री, हर डिपार्टमेंट में उनका उपस्थिति, उनको नियुक्त किया गया, उनको भर्ती किया गया, यानी लोगों को दरकिनार किया गया। जो जो योग्य व्यक्ति थे उनको अयोग्य घोषित करके अपने परिवार को उस पद पर उनको बिठाया गया, यानी परिवारवाद को बढ़ावा दिया गया, जो बिल्कुल सरासर गलत है। क्योंकि और भी लोग वहाँ के नागरिक हैं, उनको भी अधिकार जीने का है, उनको भी आगे बढ़ने का अधिकार है, तो दूसरे को देना चाहिए। मीडिया फ्रीडम। मीडिया ग्रुप्स हैव एलिज्ड दैट मीडिया फ्रीडम हैज़ बीन टेल्ड इन श्रीलंका ड्यूरिंग राजपक्ष टर्म एज प्रेसिडेंट। इन 2008 रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स रैंक श्रीलंका 165 अमंग 173 कंट्रीज में। यानी जब महिंद्रा राजपक्ष का शासन चल रहा था, यानी जब प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट थे 2008 में, उस समय श्रीलंका का जो रिपोर्टर्स का विदाउट बॉर्डर्स का जो इंडेक्स था वो 165वां रैंक उनमें था 173 देशों में से। अनुअल वर्ल्ड वाइड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स नेक्स्ट ईयर द कंट्री वॉज रैंक्ड 162। उसके बाद फिर से अगले साल दो तीन पोस्ट में उन्हें सुधार किया गया, और बाय 2010 फॉलोइंग द एंड ऑफ द वार द रेसिफ रैंकिस 158। उसके बाद प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का 158वां रैंक आ गया। शुरू में कितना था, 165 था, फिर 162 हुआ, फिर 158 हुआ। हाउएवर दिस रैंकिंग हैज़ बीन क्वेश्चनाइज बाय इंडिपेंडेंट श्रीलंका न्यूज़पेपर। श्रीलंका का न्यूज़पेपर पे वो प्रश्न कर रहा था कि किस तरह से वो देश की आज़ादी में भागीदारी किया है प्रेस रिपोर्टर ने और वहाँ की मीडिया संस्थाओं ने। मीडिया फ्रीडम को बढ़ावा देने के लिए, जिसके कारण से ये लगातार उनका इंडेक्स जो है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में काफ़ी देख कुछ देखने को मिला। पब्लिक की राजपक्षे वॉज इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट पॉपुलर श्रीलंकन पॉलिटिशियन ऑफ हिस टाइम। एक समय में वो, अभी भी हैं, ऐसी बात नहीं है, वो एक सबसे मोस्ट पॉपुलर श्रीलंकन पॉलिटिशियन या व्यक्तिगत रूप से बनाए बने हुए हैं राजपक्षे। हाई भा राजपक्षे इज एक्यूज ऑफ क्रिएटिंग कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी अराउंड हिम यूजिंग द वार विक्ट्री एंड सिन्हाला चौविनिज्म। ही वॉज रिफर्ड एज अ किंग बाय द
सम ऑफ हिज सपोर्टर्स एंड यूज द मीडिया टू पोर्ट्रे हिमसेल्फ एज ए स्ट्रॉन्ग मैन ड्यूरिंग हिज टाइम इन पावर्स हिज पिक्चर्स वेयर शोन इन बसेस बिलबोर्ड्स एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ मीडिया। यानी उनको दर्शाया गया किंग के रूप में, उनकी जो भी उपलब्धियां थी जो थी उनको सपोर्टर्स के द्वारा उनको दिखलाया गया, चाहे वो बस में हो, बिलबोर्ड्स में हो और जो भी मीडिया का फॉर्म्स है वहाँ पे, जो चाहे टेलीविज़न हो, रेडियो हो, सभी के माध्यम से उनको प्रचार प्रसार किया गया, उनको राजा के रूप में दिखाया गया। वो एक महान इमेज या एक तो अलग इमेज छवि के रूप में उभरे। फैक्चर थाउट हैविंग हिज नेम इन द स्काई वुड ब्रिंग हिम गुड फॉर्चून हिमसेल्फ। राजपक्षे थाउट हैविंग हिज नेम इन द स्काई वुड ब्रिंग हिम गुड फॉर्चून। मटाला राजपक्षे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मगमपुरा महिंद्रा राजपक्षे पोर्ट, नीलम पकुना महिंद्रा राजपक्षे थिएटर, महिंद्रा राजपक्षे इंटरनेशनल स्टेडियम, इस तरह से उनको अवार्ड के रूप में या ऑनरेरियम बोल सकते हैं उनको दिया गया। वेर ऑल हाई प्रोफाइल लेविस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इनिशिएटिव बाय राजपक्षे ड्यूरिंग हिज एडमिनिस्ट्रेशन एंड नेम्ड आफ्टर हिम। ड्यू टू दिस क्रिटिक्स हैव अक्यूज राजपक्षे ऑफ बींग नार्केरिस्टिक्स। तो इस तरह से उनको इस अलग अलग क्षेत्रों में उनका हाई प्रोफाइल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में उनका नाम दिया गया। ऑनर्स क्या मिला है, सो स्टार ऑफ पैलेस्टीन ही वॉज कन्फर्ड विथ टू ऑनरेरी डॉक्टरेट्स। द फर्स्ट वन इज डॉक्टर ऑफ लॉ, वहाँ श्रीलंका कॉलेज के माध्यम से उनको अटर्नी एट लॉ उपाधि दी गई थी श्रीलंका यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबो ऑन 6 सितंबर 2009। द सेकेंड डिग्री वॉज अवार्डेड बाय द पीपुल्स फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी ऑफ रसिया ऑन 6 फरवरी 2010 फॉर हिज कंट्रीब्यूशन फॉर वर्ल्ड पीस एंड आउटस्टैंडिंग सक्सेस इन डिफीटिंग टेररिज्म। टेररिज्म एक्टिविटी को खत्मा करने में उन्होंने जो योगदान दिया, अपना कंट्रीब्यूशन दिया, उसी को देखते हुए रूस के द्वारा पीपल्स फ्रीडम इंस्टीट्यूट के माध्यम से उनको एक अवार्ड दिया गया। यानी ये उनका पूरा बायोडाटा था, बायोग्राफी था। कैसा लगा जरूर कमेंट कर बताएं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। आपको जितनी तरह की जानकारी है, आपको इंपॉर्टेंट जानकारी आप तक पहुँचे, इसके लिए आप जरूर प्रेस करें और शेयर और लाइक जरूर करें, इसको भूलें ना। सो कोई तरह का मिस्टेक हो आप